दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन हर वक्त आपको मिलता रहे। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल पाकिस्तान में सैलाब की वजह से तबाही मची हुई है, और ये सिलसिला आज का नहीं, हमें इस तरह की तबाही का सामना पहले भी कई बार करना पड़ा है। तो दोस्तों, आज हम इस सैलाब की तबाही को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सैलाबी सूरतेहाल हमें क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सैलाब यानी फ्लड है क्या। ये एक बेलगाम हजारों और लाखों क्यूसिक से गुजरने वाला पानी का रेला होता है, और इस पानी के जमा होने की कई वजूहात हैं, जैसा कि ज्यादा बारिश, पहाड़ों से ग्लेशियर का पिघलना और हमारे यहाँ डैम्स का ना होना भी इस सैलाब की बड़ी वजह है। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी वजह है। इस वजह से हम हर साल जानी और माली नुकसान उठाते हैं, और ये वजह पानी के रास्ते में आना यानी के पानी की गुजरगाहों में आबाद होना। आप सभी लोग जानते हैं पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी गांव या शहर में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आज से 100 साल पहले भी जिस जगह पे अंग्रेज ने पुल बनाए थे, आज भी पानी उसी जगह पे आता है। तो कसूर पानी का नहीं, हमारा है कि पानी की गुजरगाहों में आबादी बना चुके हैं, और जब भी वहां से पानी गुजरता है तो हमें बिलियंस डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है, और हर दफा फिर रीबिल्ड करते हैं। हमें पानी का रास्ता छोड़ देना चाहिए, और इस आबादी को इसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए नई जगह पर आबाद करना होगा, ताकि हम इस डिजास्टर से बच सकें। और ये इस चीज का सलूशन है, हमें इस बात को समझना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।